आज हम कक्षा 9 की अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की पुस्तक में पहला पाठ जो हमारा है, जो अर्थशास्त्र की मूल उत्पादन से संबंधित मूल विचारों से हमें परिचित कराता है, वो है पालमपुर गांव की कहानी। ये एक ऐसा काल्पनिक गांव है जिसके बारे में मैं पहले आप लोगों को कुछ गांव के बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। ये एक काल्पनिक गाँव है जिस गाँव का जो मुख्य उद्देश्य है, जहाँ जिस गांव में मुख्य क्रियाएं हैं, जो मुख्य उनका व्यवसाय है या जीविकाओं का साधन है, वो मुख्यतः खेती है। इसके अलावा गांव में जो कुछ लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग भी हैं, डेयरी भी है, परिवहन उद्योग, ये सीमित मात्रा में है। अब जब हम देखते हैं गांव की स्थिति के बारे में, गांव की वस्तुओं के बारे में, गांव की सेवाओं के बारे में, तो हम इस गांव को समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं आप लोगों को इस गांव के बारे में थोड़ा बहुत मूलभूत जानकारियां देने का प्रयास करता हूँ। जो ये पालमपुर गांव है, ये आस पड़ोस के जो कस्बे हैं उनसे भली प्रकार जुड़ा हुआ है। गांव से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर रायगंज एक बड़ा कस्बा है, जिससे जो कि पालमपुर गांव को पक्की सड़क से जोड़ता है। एक छोटा कस्बा शाहपुर है। इन सड़कों पर हम गुड़ से लदी हुई बैलगाड़ियों को, भैंसा गाड़ियों को के साथ साथ आधुनिकतम जो हमारी मोटर जो हमारी यातायात के साधन है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जीप हो, बैल और बाकी ट्रक हो, इनको भी हम इनमें आते जाते देख सकते हैं। अब गांव में लोगों की बात करें तो गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से 80 परिवार उच्च जाति के हैं। इनके मकान बड़े मकान हैं, काफी बड़े मकान हैं, सीमेंट और कंक्रीट के बने हुए मकान हैं। और गांव में एक तिहाई आबादी अनुसूचित जाति के या दलित वर्ग के लोगों की है, जिनके गांव छोटे हैं, जिनके गांवों के घर जो हैं वो छोटे हैं, मिट्टी और जो झोपड़ी नुमा है उस प्रकार के बने हुए हैं। गांव में बिजली भी है, बिजली व्यवस्था पूरी है। गांव में प्रत्येक घर में बिजली है, नलकूप है, क्योंकि जो गांव है उसमें नलकूप की आवश्यकता होती है। नलकूप है तो जिसको हम ट्यूबवेल भी कहते हैं, जिसके माध्यम से सिंचाई का साधन हमारा सिंचाई का साधन है, सिंचाई की जाती है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए एक निजी औषधालय या निजी चिकित्सालय भी गाँव में मौजूद है। अब अगर हम देखें तो सड़क में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, विद्यालय के क्षेत्र में देखें या स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के रूप में देखें, तो यह गांव का एक विकसित तंत्र है, यानी कि एक भरा भरा गांव है। अब इस गांव को अगर हम तुलना करें अपने गांवों की, अपने आसपास के गांव की, हम अपने अपने गांव की तुलना करें, तो हम पाते हैं कि हमारे गांव में और इस गांव में क्या मुख्यतः विशेष अंतर है। तो जैसे मैंने बताया आपको, इस गांव का मुख्य उत्पादन खेती है। खेती के अलावा अन्य गतिविधियां भी गांव में हैं। अब हम आगे के पाठ में, आगे के इसमें इसको हम पढ़ेंगे, गांव में किस प्रकार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। पालमपुर की कहानी के बाद अगर हम देखें, कहानी में 2 चीजें दिखाई देती हैं, एक तो खेती और एक गैर कृषि कार्य। तो गैर कृषि कार्य के बाद हम देखें उत्पादन करना। उत्पादन करना किस प्रकार होता है? ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता है, तो इन चीज़ों की हमें जो उत्पादन होता है, इस सबको हम उत्पादन का संगठन कहते हैं, संगठन करते हैं। तो इसके लिए हमें मुख्यतः अगर देखें तो उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी की। अब भूमि को तो हम समझ सकते हैं कि जैसे भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे जल है, वन है, खनिज है, इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। दूसरे नंबर पर आवश्यकता पड़ती है हमें श्रम की, जो अर्थात जो लोग काम करेंगे, जो उत्पादन की क्रियाओं को जरूरी काम के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे कार्मिकों की आवश्यकता भी होगी, शारीरिक कार्य करने वाले श्रम की आवश्यकता भी होगी। और तीसरी आवश्यकता होती है भूमि के भौतिक पूंजी की, ताकि हमें औजार, मशीन, भवन, कंप्यूटर, टर्बाइन, इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, जिन वस्तुओं को हम लंबे समय तक खरीद कर सकते हैं उस पूंजी को हम स्थायी पूंजी कहते हैं। इसके अलावा कच्चे माल के लिए जिन भूमि की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। चौथी आवश्यकता प्रति हमें मानव पूंजी की, कुछ लोग इसमें काम कर रहे होंगे, भूमि का उत्पादन कर रहे होंगे, श्रम पूंजी कर रहे होंगे, इसको हम मानव पूंजी कहते हैं। इस प्रकार उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी को जब संयोजित करके संगठित करते हैं तो इसको हम उत्पादन का कारक कहते हैं। अब पालमपुर की खेती को हम अगर देखें तो इसको हम 7 हमारे चरण हैं, इन चरणों में अगर हम देखें किस प्रकार हम भूमि बांटते हैं,
हमने पहले ही कहा था कि भूमि जो है एक स्थिर रहने वाली वस्तु है। पालमपुर में खेती को उत्पादन की मुख्य क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर जुड़े हुए हैं, जिनको हम कृषि और श्रमिक कहते हैं, और यही यहाँ पर उत्पादन कर रहे होते हैं। तो मूलभूत इकाई है पालमपुर की। अब क्या भूमि की पैदावार को अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अगर हम देखें पालमपुर के समस्त खेती करते हैं, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जा रही है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, पशुओं को चारे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अक्टूबर और दिसंबर में आलू की खेती करते हैं, सर्दियों में गेहूं उगाते हैं। तो जब किसानों को हम इस प्रकार वहाँ बहुत सारी चीज़ों को उगाया जाता है, एक वर्ष में किसान अलग अलग तरहों की फसलों का उत्पादन कर रहे होते हैं। जब हम देखते हैं तो गांव में सभी हमारे गांव में अगर देखें तो सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। अगर देखें अब जब हम बात करते हैं एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलों को अगर हम पैदा करते हैं तो उसको हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पालमपुर के किसान भी इसी प्रकार कम से कम दो फसलें, मुख्य फसलें पैदा करते हैं। पिछले 15-20 वर्षों से वो इसी प्रकार कर रहे हैं। तीसरी फसल के रूप में आलू की पैदावार वो लोग कर रहे हैं। तो अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भी इस बढ़ाने के लिए भूमि की धारण को, अब तीसरा स्टेप अगर हम देखें तो भूमि के धारण करने की, क्या भूमि इस चीज़ को धारण कर पाएगी? भूमि ये प्राकृतिक संसाधन है, इसका प्रयोग, मिट्टी की उर्वरता कम हो पा रही है, भूमि का जल स्तर कम हो रहा है, क्या हम इसको नष्ट कर तो नहीं कर रहे हैं? इसको हम कैसे बचा पाएंगे, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। 1960 के दशक में अंत में एक हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, जिनको हम HYV बीज भी कहते हैं, गेहूँ और चावल की खेती करने के परंपरागत तरीकों को छोड़कर कुछ नए पौधे दिए, जिससे एक पौधे से ज़्यादा मात्रा में हमें उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये हरित क्रांति भी इसी गाँव में, हरित क्रांति को भी गाँव में अपनाया गया। तो अगर हम इसके बाद अब अगर हम देखें तो पालमपुर के गांवों में जो भूमि है किसानों के मध्य में किस प्रकार वितरित है? मैंने बताया था आप लोगों को कि पालमपुर में 450 परिवार हैं। इन 450 परिवारों में भूमि का वितरण जो है समान रूप से नहीं है। यहाँ पहले प्रारंभ में कुछ भूमि असिंचित थी और यहाँ पर धीरे धीरे कई सारे प्लॉट थे, छोटे मोटे, छोटे और मझोले किसान हैं। 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, कुछ किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। तो इस प्रकार भी हम देख सकते हैं यहाँ पर भूमि का वितरण असमान है। अब ये किसान देख सकते हैं यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के किसान दिखाई दे रहे हैं। कुछ बैलों के माध्यम से खेती कर रहे हैं, तो कुछ इसमें खेती के आधुनिकतम तरीकों को अपना रहे हैं। तो हर किसान अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी अपनी भूमि की व्यवस्था, जिस प्रकार की भूमि होगी उस प्रकार की व्यवस्थाएँ उसमें करता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं भूमि के पश्चात आता है श्रम का बहुत महत्वपूर्ण दूसरा कारक है कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा हमें परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। यह परिश्रम कौन करेगा? किसान अपने परिवारों और अपने किसान स्वयं और परिवारों के साथ खेती में काम करते हैं, श्रम की व्यवस्था करते हैं। मझोले और बड़े किसान खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाने का काम करते हैं। अब खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से आएगी? अधिकांश तो छोटे किसान जो होते हैं पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेते हैं। बड़े किसान गांव के साहूकारों से पैसा लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए। छोटे किसान के विपरीत जो मझोले और बड़े किसान होते हैं उनको खेती से बचत होती है, वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं और इन किसानों को बचत के रूप में देते हैं। अब हमने देखा कि तीन चीज़ें इसमें हो रहे हैं खेती की आवश्यक पूंजी को जुटाने के लिए। अब हम आप लोग प्रयास करेंगे, आप लोग जानने का प्रयास करें कि हम लोग खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से जुटाते हैं। जब किसानों के पास संपूर्ण खेती हो जाती है, उत्पादन हो जाता है, तो उसके पश्चात मान लीजिए किसान ने तीनों कारकों का प्रयोग किया, बहुत अच्छा गेहूं पैदा कर लिया, गेहूं की कटाई जारी की, तो किसान उस गेहूं का क्या करेगा? तो परिवार के उपयोग क्या करते हैं, परिवार को रखते हैं, परिवार के उपयोग के लिए जितना गेहूं चाहिए उसको रख लेते हैं और अधिशंकी गेहूं को बाजार में बेच देते हैं। तो उसी प्रकार सारे गांव के किसान उसी प्रकार की गतिविधियों को संपूर्ण कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा इस पाठ से संबंधित आधा भाग। अब इसको बाकी को हम पढ़ेंगे। तो कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ रहे हैं। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है? आखिर क्यों इसको हम बढ़ा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। और एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं? इसको भी, इस प्रश्न का उत्तर भी हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। आशा है, धन्यवाद।